lost in the echo. Everyone in London is words are spoken, tears in the silence, broken and fleeting. What are the ones we need? Bring us pain. Thank you so much for having me here. Love I gave freely, now just the strain. I lose myself while searching for your right. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo. आपके बदन में ऊपर नीचे क्या हो रहा है? मतलब आपको एक साल में शुगर होने वाला है, आप डायबिटिक होने वाले हैं, आपके बॉडी में टू मच फैट है, शायद आपको दो तीन साल में अगर आपने कुछ ठीक नहीं किया तो शायद ये कैंसर हो जाए या ये बीमारी हो जाए या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए या हार्ट डिजीज. एक घूम घूम से इस मशीन से आपका फ्यूचर टेस्ट कर सकते हैं. मतलब तो पहले से ही आपको इस तरह से सुरक्षित कर देंगे ठीक ठाक करके कि आपको वो बीमारी लगेगी ही नहीं. एक होता है पहले स्टेज में पकड़ना और उसको ठीक करना. एक ये जो टेक्नोलॉजी है ये पकड़ेगी जब आपको हुआ भी नहीं है. कितनी कमाल की बात है. अभी डॉक्टर बता रहे थे कि दो आदमियों से एक आदमी में जरूर कैंसर होने वाला लाइफ टाइम में. आपको ये पता था स्टैटिस्टिक्स? मुझे भी नहीं पता था. और तीन में से एक औरत को. इंडिया इज कैंसर कैपिटल. सो ये जो मशीन है ये उस चीज को जो हमारा स्टैटिस्टिक्स से इतना गड़बड़ हो गया है उसको पहले ही हमारे लोगों को बचा लेगी. जैसे कोविड वैक्सीन है ना वो हमें पहले ही कोविड ही नहीं होने दिया. तो ऐसे ये आपके बदन का एक बूंद खून लेगी और पता कर लेगी कि आपको आगे चल के एक दो तीन चार पाँच से पाँच साल में कौन सी बीमारी होने का चांस है और उसको होते होते बचा लेगी. हार्ट डिजीज है तो आपको क्या करना है, कसरत करनी है, जल्दी सोना है, मतलब जो भी लाइफ स्टाइल चेंजेस हो या कोई भी दवाई लेनी हो तो आप बच जाओगे. का जो आज ये पूरा इवेंट है जनता जानना चाहती है क्या है ये एग्जैक्टली और इससे कितना कुछ फायदा होगा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. सो प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट. सर से बात करते हैं. यस इन इंग्लिश. ओके या हिंदी. हिंदी. सो
looking at all the genes was possible using genomics, but now we are looking at the functional molecules protein in the field proteomics. हमारे जो जीन्स हैं वो हमको खाली एक स्टैटिक पॉइंट बता पाते हैं कि क्या क्या ब्लू प्रिंट है लाइफ का, लेकिन जो डायनेमिक चेंज होते हैं बॉडी में वो प्रोटीन्स के द्वारा ही हमको पता चल पाता है. कैसे ये प्रोटीन जो है वो कैंसर पेशेंट्स में अलग होते हैं, किस तरीके से इनको हम जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ और किस तरीके से इन प्रोटीन्स को हम टारगेट करें टू क्योर द डिजीज. सो न्यू टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई वेरी सेंसिटिव दिस काइंड ऑफ प्रोटीन. और उसके लिए हम जो है ये 4D प्रोटियोमिक्स टेक्नोलॉजी विच इज कम्स फ्रॉम ब्रूकर वी हैव लॉन्च इन अवर स्टार्टअप कंपनी हियर एट IIT बॉम्बे एंड साइन प्रोटियोमिका इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड. इसका गोल होगा कि जो है किस तरीके से हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, जो तमाम जो वीमेन की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की न्यूनेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कैसे इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके से हम नए टारगेट्स खोजें, किस तरीके से नए जो है हम टेस्ट डेवलप करें. और इसमें तमाम जो है साइंटिस्ट, तमाम क्लिनिशियंस और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सबकी ज़रूरत है. बट वी आर वेरी प्राउड कि जो है हम इंडिया में ये टेक्नोलॉजी पहली बार ले आए हैं 4D omics, जो कि एक नया डायमेंशन ऐड करेगी द वे वी कैन लुक एट अ प्रोटीन. पहले हम प्रोटीन्स को उनके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर देख पाते थे, अब हम उनका स्पेशियल व्यू विद द 4D विद आयन मोबिलिटी वी कैन सी दैट. सो दिस गोइंग टू बी वेरी नॉवेल एंड फर्स्ट टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड इट्स गोइंग टू मेक अस वेरी कम्पिटिटिव विद द डेटा विच इज अवेलेबल इन द USA एंड Caucasian other population. अभी भी इंडिया सेंट्रिक डेटा बहुत लिमिटेड है. सो हमको तमाम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, टाटा मेमोरियल और KEM, जिससे हमारा कोलोब्रेशन है, उन पेशेंट्स को जब हम स्टार्ट करेंगे देखना नई टेक्नोलॉजी से, तो हमको नए इंसाइट्स मिलेंगे, नए इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो हमको वो सेम जो ट्रीटमेंट था जो USA में फॉर दी Caucasian पेशेंट, वो हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. वी हैव टू लुक फॉर अवर ओन पॉपुलेशन एंड स्पेसिफिक टेस्ट डेवलप फॉर दैट. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू नो डॉक्टर बलराम भार्गव, वन ऑफ दी stalwart of you know our science and research field, and Mahima ji, one of the stalwart of the creative world, they're all together here along with my co-founder Dr. Arga Banerjee. He is the inspiration to the youth generation ki kis tarike se India mein ruk karke apni technology develop kare aur apna jo hai khud naye naye employments khud ko employ kare aur logo ko employment de, right? Kyunki otherwise inke paas bahut se foreign jane ke offer aa rahe the, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि ही विल स्टे हियर एंड मेक दिस कंपनी. प्रदेश के ऑफर आ रहे थे, हमने नाम लगा दिया, हमने तो प्रदेश को इन्होंने प्रदेश से स्वदेश के लिए जो है आगमन किया. एंड ही इज क्रिएटिंग रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल कि किस तरीके से जो हम इंडिया में जिन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं वो सीधा ब्रेन ड्रेन होता है, किस तरीके से हम उनका ब्रेन गेन कर पाए. दिस इज अ गुड एग्जांपल. वेरी गुड. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू कम हियर एंड हमारे साथ ये जो बिग ओकेजन था, बिग मोमेंट था, इसको आपने सेलिब्रेट किया हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच. मैं इसको सिंपल वर्ड में अगर बताऊं, आम आदमी की वर्ड में, इन्होंने अभी डॉक्टर के लैंग्वेज में, साइंटिस्ट के लैंग्वेज में बोला. अभी हम लोग क्या है, ब्लड टेस्ट कराते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होगा सोनोग्राफी, जो अंदर की तस्वीर लेते हैं, एक्सरे लेते हैं, उससे पता चलता है हमारे अंदर क्या हो रहा है और फिर हमें ट्रीटमेंट मिलता है डॉक्टर से. ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी खास है, वो 4-5 साल पहले बता देगी कि आपको आगे जाके ये होने वाला है. हमें तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट उस तरह का नहीं होगा, वो बता देगा कि 4 साल बाद आपको ये बीमारी होने वाली है. कमाल का ना, मतलब हमें पहले से ही वो सारे आर्मर्स मिल जाएंगे कि आगे जाके हमें वो डिजीज ही नहीं हो. तो एक तरह से हमें कभी कोई डिजीज होगी ही नहीं, हम ये टेस्ट करा लेंगे पहले ही, तो उसके आने से पहले ही हम लोग ताले से बंद कर लेंगे खुद को. तो ये दिस इज द सिंपल थिंग. और आइडिया ये भी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई हेल्दी है, नॉर्मल है, उसका ब्लड लीजिए और उससे तमाम प्रोफाइल करिए, और ओवर द टाइम अगर आप उसको चेक करते रहिए 6 महीने साल पे, तमाम प्रोटीन्स और मेटाबोलाइट चेंज हम डिजीज होने से पहले ही पकड़ लें. सो रेदर देन की ट्रीटिंग पीपल, can we control the disease beforehand and switch back to normal? Yeah, that will be the power of these omics and wellness technologies. So that's what we are aiming for. Diabetes, aapka heart related issues, aapka blood pressure, sab kuch hum log routinely monitor kar sakte hain aapke clinical samples ke through, aur hum aapko ye bata sakte hain aapko kya cheez pe control karna chahiye, kya cheez ko rokna chahiye taki aap usko reverse kar paaye. You don't have to take any medicines from outside. You can reverse everything which is going something dysregulated in your body. ये 4D omics की जो प्रयोगशाला है, ये भारतवर्ष की सबसे पहली प्रयोगशाला है, और इससे मैं डॉक्टर संजीवा को बहुत बधाई दूंगा, मैं IIT को बधाई दूंगा, और मैं भारतवर्ष को बधाई दूंगा कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ आई है और इससे हम लोग
प्रिवेंटिव एहतियात करके बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है कि भारतवर्ष के लिए। एक लास्ट में पूछना चाहूँगा, हॉस्पिटल्स में या उस तरह से कब ये अवेलेबल हो पाएगी, कुछ साल लगेगी इस चीज की बात है, उस बारे में अगर कुछ पता है। राइट, तो अभी ये मीटिंग जो है इसमें तमाम डॉक्टर्स, जैसे आपने देखा तमाम बड़े बड़े सेंटर्स के डॉक्टर्स हैं, आइडिया यही है कि उनके साथ मिल करके उनके जो रेगुलर क्लिनिकल टेस्ट हैं, जीनोमिक टेस्ट हैं, उसके साथ कैसे हम इन्फॉर्मेशन फंक्शनल मॉलिक्यूल एक प्रोटीन और मेटाबोलाइट की ऐड करके रोबस्ट अहेड ऑफ टाइम, कैन वी थिंक अबाउट अहेड ऑफ टाइम, और वो टेस्ट डेवलप करें इसमें कि जो है पहले ही जानकारी मिल जाए, उस चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए डेफिनेटली नो वी नीड गुड कोलेब्रेशन, वी नीड गुड सिनर्जी ऑफ डिफरेंट ब्रेन स्ट्रीम फ्रॉम पीपल फ्रॉम क्लिनिशियंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, और उसमें आई टी बॉम्बे आई थिंक एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि सभी का जो है सिनर्जी, सभी का अमलगमेशन होता है। And that's what this event is about. है ऑलरेडी हमारे पास, so for any test actually we always go through lot of regulatory which we follow, और उसके बाद ही हम जो है कोई भी टेस्ट करते हैं, लेकिन तमाम एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले हम तमाम रेगुलेशन लेते हैं, एंड मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी ऑन गोइंग विच वी आर ऑलरेडी कंडक्टिंग, सो अगेन एनीथिंग न्यू वी विल कंडक्ट विल अगेन टेक योर परमिशन और आवर एथिक्स अप्रूवल एंड देन वी कैन कंडक्ट, बट दीज आर रूटीन थिंग विच वी डू इन साइंस। बट वो पूछ रहे हैं कब तक ये आम आदमी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑलरेडी फॉरेन में ये कंटिन्यू होती है, ये ऑलरेडी फॉरेन में अलाउड है, यस यस राइट। इंडिया में कब तक हो जाएगी अलाउड? Well, hopefully like a company like this will give us more flexibility. मतलब academia में then we go through a lot of boundaries. This is why we thought a startup a company रहेगी, Potomica International Private Limited, where things can be done much faster pace. और इसमें collaboration अभी जो है international Germany से हमारा develop हुआ, तमाम scientists यहाँ पे हैं, Japan से, Australia से, तो उनके through जो है चीजें much faster की जा सकती हैं। तो मे बी जो कम 10 years होना था, मे बी we will try to achieve in 2-3 years. Wow, all the best. Thank you. Wish you all the best. आप एक साल में कर दो। आप जैसे इस initiative से जुड़ी हुई हैं, अगर ऐसे और भी कई एक्टर्स आ गए जो इसको लोगों तक पहुंचाए एक्चुअल में, बिकॉज़ यू योरसेल्फ यू आर अ सर्वाइवर, यू नो हाउ इट फील्स, यू नो व्हेन शी इज अ फाइटर आल्सो। नहीं क्या हुआ जैसे आज जब जितने भी डॉक्टर्स ने जो स्पीच दी, आपने भी बहुत कमाल की स्पीच दी आपने, जब डॉक्टर्स अब बात करते हैं, क्योंकि एक बार आपको खुद कोई डिजीज हो जाती है तो आप गूगल पे तो आप सब अवेलेबल है, तो मैं आधी डॉक्टर हो चुकी हूँ, तो उनकी जो लेक्चर्स हैं वो मुझे समझ में आते हैं, जितने भी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में जो अभी वो बात कर रहे थे, आपके लिए प्रोटीन का मतलब कुछ और होता है, प्रोटीन शेक या दाल में जो प्रोटीन है, डॉक्टर्स प्रोटीन का मतलब होता है आपकी अंदर की जो ईंट है जिससे आप बने हुए हो, करेक्ट, वही होता है ना डॉक्टर? हाँ, तो वो ईंट कितनी मजबूत है, उसमें किस चीज की कमी है, उसमें पानी डालना है, सीमेंट डालना है, उसको कैसे मजबूत करना है, तो वो सब रिसर्च कर रहे हैं वो, और वो पहले ही बता देंगे कि आपका ये घर गिरने वाला है तो आप अपनी ईंटें मजबूत करो, कैसे करो वो बता देंगे, तो ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्टिंग पब्लिक के दिनों रिकॉर्ड भी नहीं है।